नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि आप दिन में कौन सी ऐसी पांच बड़ी गलती करते हैं जो आपकी दैनिक दिनचर्या पर, आपकी नौकरी, आपकी सेहत और आपके व्यापार पर बहुत भारी पड़ती है। मित्रों, लाइव आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा और इसी के साथ ही आज राशिफल बहुत खास होने वाला है। कौन सा रंग आप इस्तेमाल करेंगे, कौन सा रंग आपकी राशि के अनुसार आपके बिगड़े हुए कामों को बनाएगा, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। इसी के साथ ही आपकी सेहत कैसे अच्छी होगी, महा उपाय लेकर आए हैं आपके साथ। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं विषय की ओर आते हुए कि दिन की कौन सी ऐसी पांच बड़ी गलती होती है जो आपके लिए बहुत मुश्किलें कर देती है। देखिए, सुबह के समय आप देर से उठते हैं जिससे आपका सारा दिन व्यस्त रहते हुए निकलता है और आप अपने आप को थका हुआ सा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा देर से उठने से भी ऐसा नहीं है कि आपको आराम मिलेगा और आप एकदम फुर्तीले हो जाएंगे, बल्कि आप अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगेंगे। आप सुबह ही बिना योग किए, बिना व्यायाम किए खाना पीना शुरू कर देते हैं। तो भाई, सबसे पहले अपनी सेहत को अच्छा करने के लिए आप योग करिए, एक्सरसाइज करिए, ब्रिस्क वॉक करिए, कुछ ना कुछ आपको एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी जिससे आपका पाचन तंत्र मजबूत होता है, क्योंकि कहा जाता है कि जितनी भी जो बीमारियां हैं वो आपके पाचन तंत्र अर्थात आपके पेट से शुरू हो जाती हैं। आप बिना अपने ईस्ट कुलगुरु देवी देवताओं का ध्यान किए बिना घर से निकल जाते हैं। आपको नौकरी की तलाश है, आपने अपने ईस्ट का, कुलगुरु का, पितरों का ध्यान ही नहीं किया। आप व्यापार की किसी बहुत बड़ी डील के लिए जा रहे हैं लेकिन आप अपने बड़े बुजुर्गों को नमस्कार किए बिना ही घर से निकल गए। तो भाई, ऐसी आप गलती मत करिएगा, ऐसी गलती आप पर बहुत भारी पड़ने वाली है, आपके कार्य बिगड़ जाएंगे, हर कार्य के अंदर आपको असफलता मिलना निश्चित है। आप सुबह तनाव या जल्दबाजी में अपने बच्चों, अपनी पत्नी या परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से अकारण ही उलझ बैठते हैं, अकारण ही कलह कर बैठते हैं, तो ऐसा आपको भूलकर नहीं करना। हमेशा घर से निकलते समय आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी पत्नी, बच्चों, बड़े बुजुर्गों के साथ प्रेम पूर्वक बात करके ही घर से निकलें। आप बिना स्नान किए कोई कार्य शुरू कर देते हैं, एक दो दिन पहने हुए, यानी कि एक दो दिन पहले जो आपने इस्तेमाल किए हुए थे कपड़े, उन्हीं को दोबारा पहन लेते हैं और अपने कार्य की ओर चल देते हैं। ऐसी गलती भूलकर भी ना करिएगा। कुंडली का चंद्रमा और शुक्र आपको बहुत अच्छा असर नहीं दे पाएगा, बल्कि उसका विपरीत प्रभाव आपकी दैनिक दिनचर्या और सेहत पर पड़ने लगेगा। तो ये तो छोटी छोटी वो गलतियां हैं जो आप प्रतिदिन दोहरा देते हैं। तो अब ज्योतिष गुरु ने वो आपको बता दी है, आप यह गलती दोबारा बिल्कुल ना करिएगा। अब आपको बताते हैं कि दिन की शुरुआत में अचूक सफलता पाने के लिए आपको कौन से उपाय अपनाने हैं। देखिए, आप चाहते हैं दिन की शुरुआत में ही कुछ ऐसा महा उपाय कर दिया जाए जिससे आपको संपूर्ण दिन का पूर्ण फल कम समय में मिल जाए। तो भाई, दिन की शुरुआत में ही सुबह उठकर सबसे पहले अपने ईस्ट का स्मरण करें, उसके बाद अपनी हथेलियों के दर्शन करें और निम्न मंत्र आपको बोलना है। आपने बहुत बार सुना भी होगा, हो सकता है आपने दोहराया भी हो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इस प्रकार इस मंत्र का जाप करिए, देवी का ध्यान करिए। सुबह के समय स्नान करके तांबे के लोटे में जल, गुड़ और एक चुटकी हल्दी या रोली मिलाकर भगवान सूर्य को अर्पित करिए। यहां आपको हम बता रहे हैं कि भगवान सूर्य की उपासना कैसे करनी है। सूर्य की उपासना किए बिना भी आप घर से ना निकलिएगा। कम से कम 3 प्रदक्षिणा भगवान सूर्य नारायण की करिए और अपने दिन को सफल बनाने की भी प्रार्थना आप उनसे जरूर करिए। घर से निकलते समय एक साबुत सुपारी पर हल्दी लगाकर भगवान गणेश के श्री चरणों में अर्पित करिए। ओम पम पशुपते नमः, इस मंत्र का मात्र 27 बार जाप आपको करना है।
मित्रों आगे आपके लिए इंतजार कर रहे हैं वो महालाभकारी अचूक उपाय जो आपकी धन सेहत नौकरी व्यापार और परिवार की तमाम समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। लाइव आपके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए। लेकिन पहले जान लीजिए मेष वृष मिथुन का दैनिक राशि। मेष राशि, शाम तक मन की निराशा खत्म होगी। आज व्यापार में कोई निवेश ना करें, नए काम से फायदा थोड़ा कम होगा। शुभ रंग है सुनहरी। आज ओम मंत्र का कम से कम 27 बार जाप जरूर करें। वृषभ राशि, व्यापार में निवेश बहुत सोचकर ही करना है। शाम तक आपके अपने प्रिय मित्र से मुलाकात होगी। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा आज नहीं करना। शुभ रंग है आपके लिए नारंगी। आश्रम मंत्र का 27 बार जाप जरूर करें। मिथुन राशि, आज आपकी माताजी का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा। सफलता मिलने से परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। व्यापार में बहुत फायदा होगा। शुभ रंग है आपके लिए नीला। आज भगवान गणेश की उपासना करिए, उन्हें दूर्वा अर्पित करिए, लाभ मिलेगा। मित्रों इस समय ज्योतिष गुरु की लाइव स्ट्रीमिंग से बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहला प्रश्न हमसे पूछा है शोभा जी ने, बहुत स्वागत है आपका। शोभा जी का प्रश्न उनके बेटे के लिए है। वह कह रही है कि वह सोता रहता है, कोई काम नहीं करता, क्या उपाय करें। शोभा जी, आपके बेटे के जन्मांक के अनुसार आपका जो बेटा है वह मिथुन लग्न और मिथुन राशि का है। लग्नेश और राशि के भाव का स्वामी बुध 12वें घर में होने से स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं बन गई हैं। आपको अपने बेटे की हेल्थ का, स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। कुंडली के पंचम भाव में राहु होने से पितृदोष की भी समस्या है, तो किसी योग्य विद्वान से आप इस पितृदोष का शमन करवाइए। कहीं ना कहीं पितरों के निमित्त दान करिए, अच्छा रहेगा। अपने बेटे को सुबह के समय थोड़ा सा जल्दी उठाइए, भगवान सूर्य के दर्शन कराइए और शाम के समय अपने बेटे से हनुमान चालीसा का कम से कम 3 बार पाठ कराइएगा। आने वाला समय उसके लिए अच्छा रहेगा, उसकी सेहत बिल्कुल ठीक रहेगी। मित्रों बात करते हैं उस अचूक महा उपाय की जो आपको मालामाल बना सकता है। देवी लक्ष्मी को प्रदोष काल में लाल गुलाब के फूल अर्पित करके उनके 108 नामों का जाप करें। यह छोटा सा महा उपाय आपको धन की प्राप्ति जरूर कराएगा। आइए मित्रों जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या का दैनिक राशि। कर्क राशि, नौकरी में बदलाव से लाभ होगा। अपने वाहन का स्वप्न पूरा होगा। उधार दिया पैसा मिलने का योग बना हुआ है। शुभ रंग है आपके लिए सफेद। आज एक सफेद खिलौना किसी कन्या को दान जरूर करें। सिंह राशि, शाम तक इंटरव्यू की शुभ सूचना जरूर मिलेगी। उधार आज किसी को बिल्कुल ना दीजिएगा। सफलता का योग बना हुआ है। शुभ रंग है आपके लिए मरून। आज नेत्रहीन लोगों को मीठा खाना जरूर खिलाइए। कन्या राशि, अपना काम स्वयं करने की आदत डालें, दूसरों की मदद बिल्कुल ना लें। हाथ पर चोट लगने से बचेंगे, जीवन साथी का सम्मान करेंगे तो दिन आपके लिए बेहतर साबित होगा। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। आज कमल का फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करिए, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी और हर तरीके से सफलता जरूर मिलेगी। मित्रों अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं हम। जलपाईगुड़ी से विजय शर्मा हैं, बहुत स्वागत है आपका। और ये कह रहे हैं कि मेरी जॉब और करियर के बारे में बताइए और कुछ उपाय भी मुझसे साझा करिए। विजय जी, आपके जन्मांक के अनुसार आप सिंह लग्न और मिथुन राशि के हैं। कुंडली में चंद्रमा और गुरु की युति आजीविका में आपको जबरदस्त और भरपूर लाभ देगी। अगस्त 2023 तक आपको संयम रखना होगा। कुंडली में दशम भाव का स्वामी शुक्र नीच अवस्था में है, तो भाई समय समय पर आपको परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। सुबह के समय भगवान सूर्य नारायण के सूर्य स्तोत्र का कम से कम 3 बार पाठ करिए। रविवार के दिन नेत्रहीन लोगों को मीठा खाना खिलाइए, उनकी सेवा करिए, ऐसा कम से कम महीने में एक रविवार जरूर करिएगा। मित्रों बात कर लेते हैं उस अचूक महा उपाय की जो नौकरी व्यापार और आजीविका की समस्याओं को खत्म कर सकता है।
ओम श्री कृष्णाय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करके भगवान कृष्ण को तुलसी और मिश्री का भोग लगाइए। अपने कार्य पर जाते समय इसका सेवन करिएगा। आपको आजीविका, नौकरी, व्यापार में भरपूर सफलता मिलेगी। आइए मित्रों, अब जान लेते हैं तुला वृश्चिक धनु का दैनिक राशि। तुला राशि, नया मकान खरीदने का योग है। संतान की सेहत में सुधार होगा। परिवार में अकारण कलह ना करें, कोई लड़ाई झगड़ा मत करिए। शुभ रंग है आपके लिए लाल। आज अपनी पत्नी को कोई गुलाबी वस्त्र या वस्तु उपहार में दीजिए। वृश्चिक राशि, विदेश यात्रा का योग टल सकता है। दोपहर तक व्यापार में लाभ होगा। अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर काबू रखें। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। आज माथे पर हल्दी या केसर का तिलक जरूर करें। धनुराशि, आज मन का बोझ काफी हल्का होगा। विद्यार्थी विद्या प्राप्ति में सफल होंगे। धन खर्च पहले से बढ़ सकता है, तो टेंशन मत लीजिएगा। शुभ रंग होगा गाजरी। माथे पर केसर का तिलक जरूर करें। मित्रों, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से और लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रानीखेत से जुड़े हैं विनोद चंद्र जोशी। बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं, मेरी नौकरी कब लगेगी, सरकारी लगेगी या प्राइवेट, ये बताइए और क्या उपाय करें। विनोद जी, देखिए आपके जन्मांक अनुसार आप वृषभ लगन और मेष राशि के हैं और मेष राशि में गुरु और राहु की युति है। ट्रांजिट कर रहे हैं दोनों ग्रह। कुंडली में सरकारी नौकरी का स्वामी सूर्य केतु और राहु से पीड़ित है, तो भाई नौकरी की समस्या के समाधान के लिए सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें। शनिवार की शाम 6:15 रत्ती तक का शुद्ध एक नीलम रत्न अपने दाएं हाथ की मध्यमा उंगली में जरूर पहने। जरूरतमंद लोगों को शनिवार की शाम अन्न दान करें, सरसों के तेल का भोजन दान करें। यह छोटा सा उपाय आपकी आजीविका की समस्याओं को खत्म करेगा। मित्रों, बारी आ गई है उस अचूक महाउपाय की जो आपकी सेहत अच्छी कर सकता है। ताजी नीम की पत्तियों में शुद्ध गुलाब जल मिलाकर एक लेप तैयार करिए, अपने चेहरे पर लगाइए। सूखने पर ठंडे पानी से धोइए। ऐसा करने से त्वचा के विकार, त्वचा की बीमारियां कहीं ना कहीं कम। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन का दैनिक राशि। मकर राशि, घर में पारिवारिक कलह से बचें। आज मित्रों की सलाह आपका काम बना देगी। अपने रिश्तों में खटास बिल्कुल ना आने दें। शुभ रंग है नीला। एक नारियल देवी दुर्गा को अर्पित करिए तो रुके हुए कार्य सफल हो जाएंगे। कुंभ राशि, आज धन किसी को उधार मत दीजिए। व्यापार की समस्या पहले से कम होगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शुभ रंग है आसमानी। आज देवी काली को एक मीठा पान अर्पित करिए, कहीं ना कहीं जो आपके गुप्त शत्रु हैं वो बिल्कुल शांत। मीन राशि, सुबह के समय बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें। अपना वाहन बहुत ध्यान से चलाएं। पड़ोसियों से संबंध में मधुरता आएगी, मिठास जरूर आएगी। शुभ रंग है आपके लिए पीला। आज नहाने के पानी में एक चम्मच गंगा जल मिलाइए। हर तरीके से अपने आप को आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। मित्रों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अलवर से हमारे साथ साझा किया है रविंद्र सिंह ने। बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं, इनका बच्चा बहुत बीमार रहता है, कोई उपाय बताइए क्या किया जाए। देखिए, आपके बच्चे के लग्न पर पापी ग्रहों का प्रभाव होने के कारण और सूर्य पीड़ित होने के कारण कहीं ना कहीं बच्चे का स्वास्थ्य गड़बड़ा गया है, तो भाई सूर्य का उपचार करिए। वैदिक मंत्रों का किसी योग्य विद्वान से जाप कराइए। अपने घर की पूर्व दिशा को बिल्कुल साफ रखिए। वहां कोई भारी या लोहे का सामान या कोई गंदा सामान बिल्कुल ना रखिएगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन इस दिशा को रखिए। अमावस्या के दिन पितरों के नाम से जरूरतमंद लोगों को अन्न यानी कि कुछ खाना, कपड़े और दवा का दान करना है। ऐसा करने से आपके बच्चे की सेहत अच्छी होगी। जरूरतमंद लोगों की मदद करिएगा और पीपल के वृक्ष की सेवा करना बिल्कुल ना भूलिए। और महीने में कम से कम एक बार अपनी कुलदेवी या कुलदेवता के नाम से मिट्टी के दीपक में कपूर पर 2 लौंग रखकर जलाइए, उनका ध्यान करिए। आरोग्यता का वरदान वही आपको जरूर देंगे।
मित्रों बात करते हैं उस अचूक और सिद्ध महाउपाय की जो हर दुख परेशानी और संकट को खत्म कर सकता है। अपने ईस्ट या कुलगुरु के सामने मिट्टी के दीपक में देसी कपूर जलाइए और उसमें एक चुटकी पीली सरसों डालिए। अपने संकटों को खत्म करने की प्रार्थना जरूर करिएगा। यह छोटा सा उपाय आपको हर दुख परेशानी संकट से बचा लेगा। तो मित्रों आज हमने आपको बताया कि आप दिन की शुरुआत में ही कौन सी बड़ी गलतियां कर देते हैं, वो भी भूलकर। तो अब भूलकर भी आपको ये गलतियां नहीं करनी है। ज्योतिष गुरु के द्वारा सुझाए गए बताए गए ये छोटे छोटे महा उपाय आपके दिन को जबरदस्त भी बनाएंगे और आपकी आजीविका और नौकरी में भरपूर वृद्धि भी करेंगे। तो आज के विषय में इतना ही, फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष हाजिर होंगे। जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ, दीजिए इजाजत, नमस्कार।